हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हम यहाँ पे शोरूम पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे सामने जो खड़ी है फ्रेंड्स, जो कि TVS की तरफ से आने वाली है, TVS स्टार सिटी प्लस है, जो कि काफ़ी एक सेलिंग बाइक है, जो कि काफ़ी मार्केट में हमें देखने को मिल जाती है। काफ़ी कम कीमत में ये हमें देखने को मिल जाती है ऑन रोड। तो आप इसको खुद ही देख सकते हैं, इसका लुक वगैरह काफ़ी अच्छे लुक के साथ ही हमें देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। तो अगर आप भी एक 110 सीसी में बाइक लेने के लिए मन बना रहे हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर से चेकआउट करिए फ्रेंड्स। और वहीं अगर हम इसके चीज़ों की बात करें, इसके फीचर्स वगैरह की, तो इसमें हमें जो इसका लोगो है वो हमें यहाँ पे 3D में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे स्टार सिटी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 3D में, आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें डुअल गैस सस्पेंशन यहाँ पे स्प्रिंग वाले देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे साड़ी गार्ड हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं हम इसके चैन केस की बात करें तो यहाँ पे हमें फाइबर का यहाँ पे चैन केस यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स, फुली चैन केस। और ये भी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ आती है, जो कि सारी बाइकें लगभग साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ ही आती हैं, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती हैं। काफ़ी एक अच्छा स्टेट एक्सीडेंट वगैरह को देखते हुए काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पर कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। और वहीं हम इसके लेग गार्ड की बात करें तो लेग गार्ड भी काफ़ी मजबूत क्वालिटी का हमें इसमें देखने को मिलता है। फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें इसके लाइट की बात करें तो यहाँ पे हमें हैलोजन लाइट देखने को मिलता है। और वहीं इसके मड गार्ड की बात करें या फिर फ्रंट फेंडर की, तो यहाँ पे भी थोड़ा सही क्वालिटी का ही देखने को मिल जाता है। टायर साइज भी हमें काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। बाकी 130 mm का यहाँ पे हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और यहाँ पे रियर में भी आप इसके टायर साइज़ को देख सकते हैं, काफ़ी सही यहाँ पे टायर साइज़ देखने को मिलता है। और बाकी सारी चीज़ों की बात करें, जैसे सिंगल सीट के साथ ये हमें देखने को मिलती है फ्रेंड्स, और सिंगल सीट वाले ग्रैब रेल भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इसका ग्रैब रेल काफ़ी मजबूत क्वालिटी का यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। बैक में यहाँ पे हमें हैलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, और बैक का लुक भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे साइलेंसर का लुक भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सही क्वालिटी में यहाँ पे साइलेंसर का लुक वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे किक और सेल्फ स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है, और क्योंकि मैं 110 सीसी की गाड़ियों में तो मिलता ही है फ्रेंड्स किक और सेल्फ, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर टैंक 10 से 12 लीटर का हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मीटर की बात करें तो यहाँ पे मीटर डिजिटल और एनालॉग हमें देखने को मिलता है, छोटा सा यहाँ पे डिजिटल जैसा दिखता है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी सही क्वालिटी में हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका लुक वगैरह, तो काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पे बाइक में स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे साइन देखने को मिल जाता है, फ्यूल का साइन है फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें कितने किलोमीटर चली है ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे न्यूट्रल वगैरह का साइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी सही लगभग सारी चीज़ों सारी बाइकों में फ्रेंड्स यहाँ पे अब डिजिटल मीटर थोड़ा सा कंबाइंड कर दिया है डिजिटल और एनालॉग का, और कितने में तो डिजिटल ही डाल दिया है, तो काफ़ी सही हमें देखने को मिल जाता है। माइलेज की बात करें फ्रेंड्स इसकी, तो माइलेज यहाँ पे हमें 65 से 70 तक का यहाँ पे माइलेज आराम से देखने को मिल जाता है। नॉर्मल रफ राइडिंग वगैरह में भी यहाँ पे 65 से 70 तक का माइलेज देखने को मिल जाता है। 70+ का भी यहाँ पे हमें सिटी वगैरह में देखने को मिल जाता है हाईवे पे, तो आप खुद ही इसको चेकआउट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके उसकी बात करें वेट की, तो यहाँ पे 110 किलोग्राम का यहाँ पे वेट देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी लाइट वेट है, 110 सीसी की बाइक है तो काफ़ी सही वेट है इसका। और सीट हाइट की बात करें तो 185 mm का यहाँ पर सीट हाइट देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें, वेट तो मैंने बता ही दिया, सीट हाइट भी बता दिया, सारी चीज़ें फिर मैंने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर कर दी। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 80 से 85 तक का यहाँ पे हमें ऑन रोड प्राइस ये देखने को मिल जाता है आसानी से, आप शोरूम वगैरह पे आके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ फ्रेंड्स शेयर करी दी हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मैंने टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करी हुई हैं, तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो ला दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।